हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपकी फेवरेट, आपकी लाडली KTM 250। तो उसके लॉन्ग टर्म रिव्यू हम आपको बताएंगे, एक साल में क्या खर्चा आया और कैसी बाइक चली, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, वो सब आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उन्नीस हजार 332। तो एक साल में जो ये बाइक मैंने चलाई है वो चलाई है 19,332। टोटल चार सर्विस हो चुकी है। पहली सर्विस हुई 1,000 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस हुई 7,000 किलोमीटर पे, तीसरी हुई 14 पे, और जो लास्ट है वो अभी कराई है मैंने 19,000 के बाद। तो जो फर्स्ट सर्विस का खर्चा था वो अराउंड 2,000 के आसपास था। जो सेकंड सर्विस का था उसका भी सेम 2,000 के आसपास था। थर्ड सर्विस 2,800 रुपये की और फोर्थ सर्विस 2,900 रुपये की। तो टोटल चार सर्विस हो चुकी है इसकी अब तक। तो आप सबसे पहले अगर बाइक की ओवरऑल लुक की बात करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग भी यही होगा कि 250 cc सेगमेंट में इससे सुंदर, इससे अच्छी बाइक कोई नहीं होगी। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की। तो सिटी में आपको आराम से, जो हम दिल्ली में बाइक चलाते हैं, वो आपको आराम से 28 से 30 के बीच मिलेगी। और अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आपको आराम से 35 प्लस माइलेज मिल जाएगी इसकी। तो माइलेज के अकॉर्डिंग थोड़ी सी महंगी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं आप इसके सीटिंग पोस्चर की। तो आप इसका सीटिंग पोस्चर देखो, काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। मैं दो टूर पे गया हूँ, दिल्ली से नैनीताल और दिल्ली से जैसलमेर, तो मेरे को बैक प्रॉब्लम कोई भी नहीं हुई, आराम से मैं लेके गया हूँ। लेकिन जो उसकी सीट है, जो सीट की कुशनिंग है, वो काफ़ी हार्ड है, तो उससे थोड़े से आपके बम्प्स में प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज़ आपको कोई बैक प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से क्रूज कर सकते हो, 100 120 पे आराम से जा सकते हो, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उस। तो अब बात करते हैं इसकी मेजर प्रॉब्लम की, कि जो हमने 20,000 किलोमीटर इस बाइक को चलाया है और जो जो मेजर प्रॉब्लम हमें मिली है, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मोनोशॉक सस्पेंशन है, इसमें कुछ लीकेज हो गई थी, ऑयल की लीकेज हो गई थी, जिससे जो बाइक है काफ़ी बाउंस कर रही थी, तो वो चलाना काफ़ी मतलब अजीब सा हो गया था। तो उसके लिए हम फिर KTM सर्विस सेंटर पे गए, तो वारंटी के अंदर थी बाइक, तो उन्होंने उसको फ्री में चेंज कर दिया, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो एक दो प्रॉब्लम और आई है, वो आई है हमें ABS फेलियर की। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर हमें वो प्रॉब्लम मिली है, उसके अंदर एक वार्निंग आती है ABS फेलियर की। और जिस टाइम ABS फेलियर की वार्निंग आती है, उस टाइम जो ABS है वो ठीक से बिल्कुल काम नहीं करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। हम गए सर्विस सेंटर पे, उनको वीडियो दिखाई ABS फेलियर की, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किए, लेकिन उससे भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो एक ये प्रॉब्लम है ABS फेलियर का, हमें अब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम उसको ठीक कराएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। तीसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इसकी चैन सेट की। तो 500 से 700 किलोमीटर के बाद चैन लूप करनी पड़ती है, चैन क्लीन करनी पड़ती है, वो तो चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही बाइक के 13,000 कम्प्लीट हुए, KTM वालों ने बोला कि इसका चैन सेट ख़राब हो गया है, आप चेंज करा लो। मैं अब तक 19,332 किलोमीटर बाइक को चला चुका हूँ उसी चैन सेट के साथ, तो मेरे को तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती नहीं। मैंने बाहर जो दूसरी ब्रांड्स के शोरूम हैं उनके सर्विस सेंटर पे इसको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इस चैन सेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से 40 से 45,000 तक चल जाएगा। लेकिन KTM वालों का कुछ अलग ही फंडा है, वो बोलते हैं कि भाई 13,000 किलोमीटर हो गए, अब इसको चेंज कराओ। KTM का एक सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको चेंज कर दो, वो उस चीज़ को ठीक करने में बिलीव नहीं करते। ये थोड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है उनकी। आप देखो, मैंने है ना अभी मतलब सर्विस कराई है फोर्थ वाली, और उसके बाद बाइक को मुश्किल से 30 से 40 किलोमीटर चलाया है, और आप चैन की हालत देखो, ये उन्होंने सर्विस की है। तो
इसका मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं पता कि भाई ये चैन सेट मेरे को चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि हाँ सच में चैन सेट में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ कमेंट में बता दो। क्योंकि मैंने बाहर बहुत सारे मिस्त्रियों को दिखाई है बाइक, उन सब ने ये बोला है कि 40 से 45 हज़ार आप चला लो, इस चैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको सच में पता है इस प्रॉब्लम के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। एक लास्ट चीज़, चलो इसके एग्जॉस्ट साउंड की आवाज़ सुन लेते हैं, देखते हैं कि आवाज़ कैसी है बाइक की एक साल पुरानी होने के बाद भी।